अंगूर का क्या रेट है? अंगूर ये वाला ये 1600 रुपए किलो। अंगूर खट्टे हैं, 1600 रुपए किलो अंगूर, बहुत अंगूर खट्टे हैं। ओ, केला किस तरह? केला सर आगा था 200 और 150, ये बिक रहा है 450 साढ़े 400। हाँ जी, डबल कर दिया, 450 रुपए दर्जन। हाँ जी, दर्जन दर्जन दर्जन। समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा है 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे ना, उनको बुला लो। 40 रुपए का समोसा। बोतल है ये किस तरह? ये 160 रुपए की हुई। सेब किस तरह? सेब 250 रुपए किलो। 250 व्हाइट वाले, दूसरे वाले कितने के हैं वो पूछे? 450 रुपए किलो। अच्छा, दूसरे कंट्रीज अगर हम बात करें, इंडिया की खासतौर पे बात करें, वहाँ पे इन चीजों का क्या रेट होगा? मुसलमानों को वो कैसे रिलीफ? पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया गया, कोई भी कंट्री ले लें वहाँ पे चीजों के जो रेट हैं वो डाउन कर दिए गए हैं, पर पाकिस्तान माशाल्लाह वो कंट्री है जहाँ पे रेट अप कर दिए। लोग फल कहाँ से लेंगे भाई, इतना महंगा। पहले 150 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी बेची है 3 दिन पहले, आई पहले रमजान से शुरू हुआ 230 रुपए किलो, मेरी खुद खरीद है। क्या वजह है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले यही स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो थी? हाँ। आज ये स्ट्रॉबेरी जो आप बता रहे हैं 300 रुपए किलो। ये 300 रुपए किलो रमजान में, क्या है 2 दिन में रेट डबल क्यों? टमाटर है इसका क्या रेट है? 140 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। इसके अलावा ये लीमू का, लीमू 60 रुपए पाओ, 120 240 रुपए जी। ठीक है, 240 रुपए किलो। आपने ये बताना है रोजों से पहले क्या रेट था। देखे ये आपकी वजह, रोजों पहले टमाटर 40 रुपए किलो था। ये लीमू किस का था? लीमू का 50 रुपए किलो था रोजों के पहले किलो। रोजों से पहले 50 रुपए किलो, अब 240 रुपए, 240। तीन गुना चार गुना ज्यादा। लीटर की बोतल, ये जो बोतल है ये किस तरह? ये 160 रुपए की हुई। रमजान से पहले ये जो गंडेरी हम इसे कहते हैं, गन्ने के जो पीसीज हैं, ये क्या रेट था इसका? 130-140। आज क्या रेट है? आज 150 वही रेट है, आज ऑलमोस्ट वही रेट है। चले चले, शुक्र है किसी चीज का तो ऑलमोस्ट वही रेट है। उसकी वजह ये है कि ये रमजान में इतनी यूज नहीं होती, रमजान में फल यूज होता है, वो रेट डबल हो गया। यूरोप देख ले, कहीं भी देख ले, मेरा दोस्त रहता है वहाँ अपना कनाडा में रहता है, वो कहता है कि स्पेशल जो है ना जब रमजान आता है रिलीफ देता है, रमजान पैकेज बनाता है। यार कसम खुदा मैं सुन गया, हमसे अच्छा तो फिर वही है यार। वो नॉन मुस्लिम है, वो तो भी मुसलमानों के खिलाफ है, वो तो भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं। रमजान में आपको तो आइडिया होगा कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पे रिलीफ मिलता है मुसलमानों के, जी रमजान आ गया कीमतें थोड़ी कम कर दो, कम कर, यहाँ पे डबल हो जाती है। हम कैसे ये पाकिस्तानी मुसलमानी तरीका तो नहीं सर, इंडिया में चले जाए, साउथ अफ्रीका में चले जाए, बांग्लादेश चले जाए, कीमतें हर चीज नीचे। दूसरे जो कंट्रीज हैं दुनिया में वहाँ पे जो उनसे रोजों में रिलीफ दिया जाता है, हमारे यहाँ पे डबल कीमत। हाँ ये क्या वजह? हम पता कैसे चलेगा कि हम मुसलमान हैं? हाँ ये तो हमारी निशानी है। वाह, निशानी है। हम बेईमानियां करते हैं और क्या, दुनिया में मशहूर हैं बेईमानी करने में मुसलमान। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो रिएक्शन वाली वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो है। अगर आप इंडियन हैं तो आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं, आप अपने ऊपर फख्र महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ और इंडियन मुस्लिम हूँ। लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान के वक्त में क्या महंगाई है। हालांकि विदाउट रमज़ान भी आप देख ले, पाकिस्तान की महंगाई तो है वो आसमान को छू रही है। बात करेंगे कि पाकिस्तान में रमज़ान में क्या महंगाई चल रही है, छोटी सी वीडियो आपने देखी है। चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर आते हैं और रियल इंटरटेनमेंट भाई के चैनल को सीधा लगाते हैं। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि रमजान का महीना आ चुका है, पूरी दुनिया में अगर तमाम कंट्रीज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट रमजान के महीने में रिलीफ दिया जाता है मुसलमानों को। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, आज यहाँ पर देखेंगे रमजान के आने के बाद जो अशिया है, जो फल हैं, जो चीजें हैं, उनकी कीमतों में क्या इजाफा हुआ है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहां पे क्या रेट चल रहे हैं रमजान में, पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं आप? मेरा मेडिसिन का बिजनेस है। अच्छा। मेडिसिन का बिजनेस है। मुझे ये बताएं, रमजान आता है, आपको भी पता होगा सुना होगा कि दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ रिलीफ देते हैं मुसलमानों को रमजान को लेकर। पाकिस्तान में रिलीफ दिया गया या रमजान आने पर कीमतों की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई? कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, रिलीफ कोई नहीं दिया गया। ये जो आटा बांट रहे हैं वो भी वो आटा बांट रहे हैं जो फार्म हाउसेस में जानवरों को खिलाया जाता है। जी ये वो वाला आटा तकसीम कर रहे हैं, ये सही वाला जो आटा है वो तो आवाम तक पहुंचा ही नहीं। और उसके बाद जो अशिया थी उनके रेट आसमानों पर पहुंचा दी गए हैं और चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो रेट्स काफी डाउन हो। इधर आप अगर कैमरा मैन इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अच्छा ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। अच्छा ये बताओ ये किस तरीके से है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए। और वो स्ट्रॉबेरी?
स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। मैं अभी अगर आपको बताऊंगे रमजान स्टार्ट होने से ठीक एक दिन पहले ये स्ट्रॉबेरी 200 रुपए किलो थी, रमजान में महंगी हो गई है। 160 रुपए भी मिल रही है, ये दो दिन पहले मिल रही है। आज भी मिल रही है, आज भी मिल रही है। अच्छा सेब किस तरह? सेब 250 रुपए किलो। व्हाइट वाले, दूसरे वाले कितने के हैं वो पूछे? 450 रुपए किलो। 450। अच्छा दूसरे कंट्रीज अगर हम बात करें, इंडिया की खास तौर पे बात करें, वहाँ पे इन चीजों का क्या रेट होगा, मुसलमानों को वो कैसे रिलीफ? पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया गया, कोई भी कंट्री ले लें वहाँ पे चीजों के जो रेट है वो डाउन कर दिए गए हैं, पर पाकिस्तान माशाल्लाह वो कंट्री है जहाँ पे रेट अप कर दिए गए। हम तो एक इस्लामिक कंट्री भी है, इसके अलावा अगर बात करें हमें बड़ा प्यार है इस्लाम से, तो फिर रमजान से भी प्यार होना चाहिए, मुसलमानों से भी प्यार होना चाहिए, क्या वजह है? ये जिंदा कौम सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है, जब माहे रमजान ऐसा कोई ओकेजन आ जाता है तो रेट्स आसमानों पे ये खुद पहुंचा देते हैं ऐसे ही, यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी अपनी है। लेकिन हम कहते हैं जी वो इसकी साजिश और उसकी साजिश हमारी अपनी है, साजिश हमारी अपनी है। अंगूर का क्या रेट है? अंगूर ये वाला ये 1600 रुपए किलो। अंगूर खट्टे हैं, 1600 रुपए किलो अंगूर, बहुत अंगूर खट्टे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिया से बहुत लोग हमें देखते हैं, वहाँ पे जो रेट होगा आपके ख्याल में हमारे से कम होगा, बहुत कम होगा या हमारे जैसा? इंडिया को स्पेसिफिक ना लें, पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है, ठीक है, माहे रमजान जब आता है यूके कनाडा, कल आप टीवी चेक कर लें, न्यूज चेक कर लें, ठीक है, उसके अंदर पूरी दुनिया में दिया गया, हाली इंडिया की बात ना करें, पर पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस इस टाइम नहीं है। अगर आज ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज एक्टिव हो जाएं तो रेट्स डाउन हो जाएंगे। आपने बोला हाल इंडिया की बात ना करें, नो डाउट हमें पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि हमें ये बताया जाता है ना कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये नहीं बताया जाता वहाँ पे रेट क्या है, वहाँ पे फल किस तरीके से। आप उसकी इकोनॉमी भी तो देखे ना, उनको आइंदा 300 साल डिफॉल्ट होने के चांस नहीं है, ठीक है, और हमारे यहाँ का सिनेरियो अलग है। अच्छा। तो इंडिया से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपने कौन सा मतलब आपने कोई ऑथेंटिक बात की है कि 300 साल नो डाउट के बहुत बड़ी दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है। अच्छा। कोई ये रिपोर्ट है कि 300 रिपोर्ट सोशल मीडिया पे गूगल करें आपको मिल जाएगी। अच्छा। हाँ जी देखें जी यही बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें जहाँ पर दूसरी चीजों पे कंपैरिजन का बताया जाता है हमें ये भी बताना चाहिए कि इकॉनमी उनकी तेज है, उनकी इकॉनमी बेहतर है, हमें भी अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की जरूरत। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, थैंक यू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बात करेंगे, चले आए किसी और से बात करते हैं। अच्छा अभी यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, स्टॉल वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि रमजान स्टार्ट होने से पहले ये जो फल है इनकी क्या कीमत थी और आज इनकी क्या कीमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? अरशद। अरशद भाई मुझे बस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करना है कि रमजान स्टार्ट होने से पहले ये जो सेब था ये कितने रुपए केजी था, आज कितने रुपए? ये सर ये पहले केजी था, रमजान के पहले 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो बिक रहा था। ये खरबूजा। खरबूजा ठीक है। और ये सेब बिक रहा था 150, अब ये बिक रहा 250। यानी दो दिन पहले ये 150। हाँ जी 150। ये इसकी क्वालिटी चेक करें, ये छोटा सा सेब है और ये 150 पहले 150 था। रमजान आया, बबरकत महीना आया, मुसलमानों का महीना आया, तो रेट बढ़ गए हैं। खरबूजा किस तरह? 150। तरबूज सर ये बिक रहा था 100 रुपए, ठीक है, अब 150 रुपए बिक रहा है केजी किलो। हाँ जी केजी किलो। केला किस तरह? केला सर आया था 200 और 150, ये बिक रहा 400 साढ़े 400। हाँ जी डबल कर दिया। 400 साढ़े 400 दर्जन। हाँ जी दर्जन। अच्छा आप तो दुकानदार हैं, आप तो ये बेचते हैं, आपके ख्याल में क्या वजह है? हमें ऐसा लगता है मतलब जो पब्लिक है ना उसे ये लगता है शायद आपने महंगा किया। सर ये हमने महंगा नहीं किया, ये मंडी वालों ने महंगा किया है। ये मंडी बिक रहा है 400-500 रुपए मंडी बिक रहा है। 400-500 रुपए दर्जन केला मंडी में। ये आ गई थी पेटी, ये 1100-1200 होगी, अब ये पेटी 2800-2900 होगी। अच्छा ये बताएं जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे मुल्क है, इंडिया की अगर बात कर ले वहाँ पे कीमतें क्या होंगी, सेब की केले की कीमत क्या होगी? उधर तो ज्यादा होगी, इससे ज्यादा, इधर से भी ज्यादा होगी। अभी इनको नहीं पता इस चीज का कि वहाँ पे इससे काफी ज्यादा कम है। हाँ जी कम है, सही। ये हमारा मुसलमान ही नहीं ना, ये हमारा पाकिस्तान है। इधर रमजान में आते हो तो सारी रेट इतनी बढ़ जाते हैं, सोच से बाहर हो जाता, गरीब बंदा खा नहीं सकता। इसकी क्या वजह है कि मतलब रमजान में मुसलमान भी है और रमजान में हम रेट बढ़ा देते हैं? हाँ जी ये मुसलमान ही है ना, ये मुसलमान है। अच्छा मुसलमान ही नहीं, ये तो मुसलमानों के, हाँ जी ये तो ऐसे मुसलमानों का नाम खराब। हाँ जी ये नाम खराब हो रहा है।
अच्छा हो रहा है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान नहीं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। काम कैसा चल रहा है? लोग फल लेके जा रहे हैं? लोग फल कहाँ से लेंगे भाई, इतना महंगा। पहले 150 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी बेची है 3 दिन पहले। आई पहले रमजान से शुरू हुआ, 230 रुपए किलो मेरी खुद खरीद है। क्या वजह है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले यही स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो थी, आज ये स्ट्रॉबेरी जो आप बता रहे हैं 300 रुपए? 300 रुपए किलो जी। 300 रुपए किलो। वजह क्या है, 2 दिन में रेट डबल क्यों? ये हमें खुद नहीं समझ आ रही है, कर क्या रहे हैं ये, रेट रोज ब रोज बढ़ा रहे हैं। आरती जो है ना, अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं। अच्छा। हमें मजबूरी है, हमने लेके आना है। मजीद किसी से पूछते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ इन चीजों के ऊपर कि क्या वजह है, और इसकी जो वजह है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, काम कैसा चल रहा है ये? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, अल्लाह का बेहतर है। रमजान से पहले ये जो गंडेरी हम इसे कहते हैं, गन्ने के जो पीसीज हैं, ये क्या रेट था इसका? 130-140। अच्छा। आज क्या रेट है? आज 150 वही रेट है। आज इसका ऑलमोस्ट वही रेट है। चले चले, शुक्र है किसी चीज का तो ऑलमोस्ट वही रेट है। उसकी वजह ये है कि ये रमजान में इतनी यूज नहीं होती, रमजान में फल यूज होता है, वो रेट डबल हो गया। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अमीर। मोहम्मद अमीर, मुसलमान है हम सब माशाल्लाह, लेकिन रमजान में कीमतें बढ़ा देते। प्यारे भाई, हम नहीं बढ़ाते, ये पीछे से लोग बढ़ा देते हैं, मंडी वाले लोग बढ़ा देते हैं। सही बात। तो पाकिस्तान 100 रुपए किलो चल रहा था खरबूजा, अब 200 रुपए किलो हो गया है। 100 रुपए का, 1000 रुपए का क्रेट था, 2000 2200 रुपए का क्रेट कर दिया उन्होंने। सेब 300 रुपए चल रहा था, 350 रुपए था, अब 400 रुपए हो गया है। सोचिए। हाँ जी। अच्छा, वजह क्या है? दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं, जब वहाँ पे रमजान आता है तो वहाँ पे कीमतें कम कर दी जाती हैं, यहाँ कम कर देते हैं। हमारे मुसलमान भाई जो है ना, स्टोर कर लेते हैं, माह रमजान आ रहा है डबल कमाने हैं, माह रमजान आ रहा है डबल कमाना है। तो हम मुसलमान फिर किस चीज के? सुबह नाम के मुसलमान रह गए, क्या नाम नाम के रह गए। इंडिया में आपके ख्याल में क्या रेट होगा इन चीजों का, ज्यादा होगा कम होगा, अंदाजा होता है? अंदाजा, वो रेट कम कर देते हैं, जो रेट जो चल रहा था ना 100 रुपए, उससे वो लोग कम कर देते हैं, रिलीफ देते हैं, हमारे यहाँ डबल कर देते हैं। सही बात। अच्छा, ये तो देखें, दूसरी कंट्रीज का हमें पता है कि वहाँ पे रिलीफ मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें, इंडिया का ऐसा मुझे नहीं पता कि वहाँ पर भी रमजान में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है या नहीं, वो कमेंट में अपने तो हमें भी नहीं मालूम, दूसरे मुल्कों का है मालूम कि वो देते हैं, रिलीफ देते हैं। आए मजीद यहाँ पर किसी से बात करते हैं, दुकानदारों से भी, और जो कस्टमर यहाँ पर मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे। जी, तो इस टाइम हम मौजूद है समोसों की शॉप पे, यहाँ पर रेट पूछेंगे। ये जो समोसा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? मम रमजान। रमजान, और अभी रमजान का महीना है, आपका ही महीना है, ठीक है। समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा है 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे ना, उनको बुला लो। बस वैसे क्या वजह? ये ना महंगाई इतनी है, 2 दिन में महंगाई हो गई। दो ये कम अज कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, ये पूरा 1.5 महीना हो गया है। अच्छा। महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते हैं, दुकान के किराया, मुलाजमो की तनख्वाह, ये सारा कहाँ से निकालें? बहुत सी बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये चीजें हैं, लेकिन क्या समझते हैं, रोजों में तो थोड़ा बहुत रिलीफ गवर्नमेंट को देना चाहिए था बिल में। ये सर, ये गवर्नमेंट को देना चाहिए ना, मगर ये आप तो आलू महंगे हो गए जी, इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर, बेसन के कम अज कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की, सर आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए, इसी एक जमा भी या ये समोसे इस्तेमाल किया, 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पुड़ी थी। अच्छा। अब इस 2 रुपए पहुंच गए, जो ये हलवा पुड़ी है ये 70 रुपए की पुड़ी होगी बॉस। अच्छा, रमजान में आपको तो आइडिया होगा कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ पे रिलीफ मिलता है मुसलमानों के, जी रमजान आ गया कीमतें थोड़ी कम कर दो, कम कर दे, यहाँ पे डबल हो जाती है, हम कैसे मुसलमान? ये पाकिस्तान मुसलमानी तरीका तो नहीं सर, इंडिया में चले जाएं, साउथ अफ्रीका में चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, कीमतें हर चीज नीचे है। इंडिया में जहाँ हम ये कहते हैं कि वहाँ पे तो मुसलमानों पे जुल्म, हमें ये बताया जाता है वहाँ पे कीमतें कम है, बहुत कम, बिल्कुल कम इंडिया में जी। आपको आइडिया है? सही बात, बिल्कुल जी। कैसे आइडिया? आइडिया ये तुम किस पाकिस्तान के अलावा काम बिस मर्गी मुल्क में चले जाओ, रमजान के एरिया से चीजें बहुत नीचे कम है। आपके ख्याल में जो इंडिया के मुसलमान है वो रोजे अच्छे, यानी रमजान में, खाने पीने के हवाले से रिलीफ मिलता होगा या पाकिस्तान में ज्यादा? जी इंडिया में हो गया, बांग्लादेश हो गया, साउथ अफ्रीका, इधर पाकिस्तान के अलावा मिलता है उन लोगों को जी, रिलीफ जी ज्यादा मिलता है जी। अभी लोगों को पता चल रहा है, चीजों का पता चल रहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इसमें दुकानदार का कोई कसूर नहीं? 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 1200 रुपये मेरे घर का खर्चा है, मैं पता किस तरीके का घर का
खर्चा बर्दाश्त कर रहा हूँ सर जी। एक बेटी है माशाल्लाह मेरी सर जी, 800 रुपया उनकी दिहाड़ी है, 1200 रुपया उनका खर्चा है एक दिन का, तो किस तरीके से वो बर्दाश्त कर रहे हैं ये नहीं पता है। और ये बहुत से है। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। आपने अभी तक, अगर आप इंडियन हैं, आपने अभी तक कितना महंगा समोसा खाया है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रेहड़ियों पर बिकने वाला समोसा जो पाकिस्तान में बिक रहा है, फुटपाथ पे जो समोसा बिक रहा है, उसकी कीमत दोस्तों 60 से 70 रुपए। दिमाग कहाँ है, कुछ समझ ही में नहीं आता है दोस्तों। इससे अच्छा तो हमारा हिंदुस्तान है दोस्तों, हर मामले में हमारा हिंदुस्तान जो है वो परफेक्ट है। महंगाई के मामले में भी अगर देखें, हिंदुस्तान में इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में। महंगाई सुनकर आदमी बेहोश हो जाए दोस्तों। फल का रेट देखिए, 450 रुपये के जी एप्पल। अरे यार, सेब का रेट 450-500 रुपया इंडिया में बिकना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो सेब खाना छोड़ दे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखना पसंद है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार वीडियो है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।